हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आपण मानू वर्तमान वीडियो रे स्वागत देखो फ्रेंड्स इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट सुजोगटे आपण मान आए पीडीएफ रे डिटेल्स क्राइटेरिया रही जहाँकि वर्तमान वीडियो रे शेयर करनी ये आपण कौन कौन सब एलिजिबिलिटी कंडीशन रही ड्राइवर पोस्ट आपण मैंने जापर तबे इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस तरफ आसा संपूर्ण सूचना जानापे वीडियो को प्रथम शेष जाए देखते जहाद्वारा कि आपण मान डाउट सब क्लीयर होपण मैंने अति इजिली सब बुझीपर तेज चलतु जाणी रखा यही जब्र संपूर्ण अपडेट रिक्रुटमेंट रही कौन ना इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स जोटा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तरफ आ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोटे पारा मिलिटरी संस्था जो थे कि आपको निजुक्ति मिलू ड्राइवर पोस्टर ड्राइवर पोस्ट में एठी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाउछि जोटा कि आपण माने ऑनलाइन माध्यम रे भरी परिबे एठी आपण मानकर ये जो ड्राइवर पोस्ट रहइबो ग्रुप सी पदवी रहइबो जो थरे आपण मानकु ऑनलाइन मोड रे फॉर्म को अप्लाई करबाक पड़िबो तबे एठी जो वैकेंसी डिटेल्स आसीछि तबे से वैकेंसी डिटेल्स होउछि 458 टी पोस्ट में रहइछि टोटल उपरे 458 पोस्ट में आपण माने अप्लाई कर परिबे जदि कैटेगरी वाइज देखिबा यूआर कैटेगरी पई एठी 195 टी पोस्टर वैकेंसी रही एससी 74 टी एसटी 37 टी ओबीसी 110 टी एवं ईडब्ल्यूएस 42 टी पोस्टर वैकेंसी रही यार ऑफिशियली वेबसाइट रही आपण मानू कहि रखबी www.recruitmentitbppolice.nic.in यही ऑफिशियल साइट माध्यम रे आपण माने यार ऑनलाइन फॉर्म को भरी परिबे एवं एठी गोटे लाइन रही जोटा कि आप देखते जो मैंने एक्स सर्विस मैन होते हैं 10% कोहल रही मानने या भितर आपण मैंने जब एक्स सर्विस मैन किए पकोचंती ताले आईटीबीपी रो रूल अनुसार 10% पोस्ट आपण मानी रही तेरे एठी गोटे कैंडिडेट अप्लाई करिया कहले बयस सीमा केते हबा आवश्यक इलिजिबिलिटी कंडीशन रे एज क्राइटेरिया 21 वर्ष रु 27 वर्ष भितर होइथिले आपण माने एही फॉर्म को अप्लाई करि परिबे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जदि आपण माने 10th पास करिसंती एवं आपण मान पाखरे हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस रहिची जोटा कि आपण मानकर निहाती आवश्यक रहिची जदि रखिसंती ताहाले आपण माने फॉर्म पई एलिजिबल होइ परिबे अर्थात केवल दशम पास ता सहित मोटर व्हीकल रो हेवी ड्राइविंग लाइसेंस जोटा रही थोले आपण मैंने फर्म पर इलिजिबल हो पारे तेज जितेबाला आपण मैंने अनलाइन फर्म को भरवे ये आप्लिकेसन फिज कित रोच 100 टकर आप्लिकेसन फिज रोच केवल यूआर काटेगोरी पिलाई आपण मानक ईडब्ल्यूएस ओबीसी काटेगोरी पिलाई जदि आपने एससी एस टी एक्स सर्विस मैन होते हैं आपण मन को कौन सी आप्लिकेसन फिज दवाक पड़े ना आपण मैंने मगणारे यार फर्म को आप्लाय करें तेबे एठी आपण मानकर जो सिलेक्शन प्रोसीजर रही विषय भी मुझे कही रखुची एठी आपण मानकर प्रथमे फिजिकली एफिशिएंट टेस्ट रहा फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट करा जिवो एवं एथरे जो मैंने क्वालिफाई हे से रिटिन एग्जाम पई डका जिवो एवं रिटिन एग्जाम रे जो मैंने क्वालिफाई हे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा जिवो तापर जाएंगे आपण मानकर ड्राइविंग टेस्ट बा प्रैक्टिकल टेस्ट निया जिवो ए सब सहिला पोरे आपण मानकर मेडिकल एग्जाम करा जिवो जो मेडिकल एग्जाम रे आपण माने चाहिले रिव्यू भी आपण मानको रेफर करि पा जदि आपण मानक प्रे किछ प्रॉब्लम अछि आपण मानको सेट देखा गला ताले आपण मानको भी रेफर करा जाई पारिबो एठी एई फॉर्म को जदि अप्लाई करे चाहौतंती ताले 27 जून 2023 रे एहार ऑनलाइन प्रोसेस आरंभ होबो जोटा कि आपण मानकर 26 जुलाई 2023 पर्यंत चलिबो आपण माने 27 जून 2023 रु आरंभ करकि 26 जुलाई 2023 पर्यंत एही फॉर्म को अप्लाई करि परिबे सो फ्रेंड्स जदि आपण माने इंटरेस्टेड अछंति इच्छुक अछंति एही एप्लीकेशन विषय रे डिटेल्स जानिबाक चाहौछंति ताहाले आपण मान पई ए पीडीएफ टिकु मु हमर टेलीग्राम चैनल रे प्रोवाइड कर देबी टेलीग्राम रो लिंक आपण मानकु हमर डिस्क्रिप्शन रो कमेंट सेक्शन रे नतल डिस्क्रिप्शन रे मिलि जिवो आपण मान पई सेठी टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन कर नियंतु एवं ए पीडीएफ टिकु आपण मानकु सेठी मु अपलोड करि सारि छी आपण मान चाहेला को डाउनलोड करिके डिटेल्स क्राइटेरिया
ପଢ଼ିକି ବୁଝିପାରିବେ। ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇ ରଖିଲି ଯାହାକି ଏଇ PDF ରେ ଆସିଥିଲା ଟୋଟାଲ କ୍ରାଇଟେରିଆ ବୁଝାଇ ରଖିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ଇଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ ରହିଥିଲା, କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା, ସବୁ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହିସବୁ ଇଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ ରହୁଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନଚେତ PDF ର ଲିଙ୍କ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମିଳିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।